बेसिक चीज़ें हैं हम उसको फॉलो करेंगे, उसको सिंगल सिंगल हैंड करेंगे। तो सिंगल हैंड की उस वेविंग की प्रैक्टिस के लिए हमको शोल्डर फर्स्ट थिंग, शोल्डर अप देन एल्बो अप। जब एल्बो अप होएगी तो हमें जो हमारा हैंड है वो बाहर की तरफ रहेगा, ठीक है। देन आर्म स्ट्रेट हो जाएगी और हैंड जो है वो हैंड अंदर की तरफ रहेगा, देन बाहर। जब हम ऊपर लेकर आएंगे तो इसको सेम, पहले हैंड इन देन एल्बो अप, एल्बो अप जाएगी तो ये हैंड बाहर की तरफ आ जाएगा ऑटोमेटिकली, देन शोल्डर अप देन शोल्डर डाउन। फिर अगेन वैसे ही करेंगे हम इसको, 1 2 3 4 5 6 7 8। ये सिंगल हैंड की वेविंग का बेसिक है, आप इसको जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही इनसाइड एंड आउटसाइड दो तरीके से, दो तरीके की वेविंग होती है इसमें भी, बाहर की तरफ और अंदर की तरफ। तो अगर हमें बाहर की तरफ करना है तो उसका बेसिक है ये, शोल्डर एल्बो रिस्ट आउट देन हैंड इन एल्बो अप शोल्डर डाउन। तो ये इसको फास्ट फास्ट करें तो ये कुछ कुछ ऐसा दिखेगा। तो इसको आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ये वेविंग जो है आपकी शार्प होती रहेगी। सेम जो है हमको सेम लेफ्ट साइड पे करना है, लेफ्ट हैंड की प्रैक्टिस करनी है, सेम शोल्डर एल्बो रिस्ट आउट इन देन इन एल्बो अप शोल्डर डाउन। 1 2 3 4 4 3 2 1 2 3 4 4 3 2 1 ओके देन। और इसकी सिंगल सिंगल हैंड की प्रैक्टिस करेंगे, उसके बाद हम दोनों हैंड्स की एक साथ प्रैक्टिस करेंगे, शोल्डर एल्बो रिस्ट आउट इन एल्बो शोल्डर डाउन 1 2 3 4 4 3 2 1। और फिर हम इसका, ये हुआ हमारा वेविंग का बेसिक। अभी हमने किया सिंगल सिंगल हैंड की वेविंग, अभी हम करेंगे एक हैंड से दूसरे हैंड में जाना, मतलब फुल हैंड, पूरे हैंड की वेविंग करेंगे अभी हम। तो इसके लिए हैंड स्ट्रेट रखेंगे, पहले हम अपनी फिंगर्स जो है फिंगर्स को बेंड करेंगे, फिंगर्स बेंड करेंगे, फिर फिस्ट बनाएंगे, फिर जो फिस्ट है उसको नीचे निकल जाएंगे। फिर ये हुआ हमारा 3 काउंट्स, 1 काउंट हुआ फिंगर फिंगर बेंड किया, देन फिस्ट किया, फिर फिस्ट डाउन। 4 पे हम अपनी एल्बो को ऊपर लेकर जाएंगे, एल्बो ऊपर जाएगी। जब एल्बो ऊपर जाएगी तो हमें ध्यान रखना है कि हमारी फिस्ट अंदर की तरफ ना हो, बाहर की तरफ हो। उसके बाद शोल्डर ऊपर जाएगा। तो ये सिंगल हैंड हुआ, 1 2 पे फिस्ट, 3 पे डाउन, 4 पे एल्बो एंड 5 पे शोल्डर। फिर इसको हम दूसरी आर्म में लेकर जाएंगे, फिर शोल्डर अप देन सेम एल्बो अप। एल्बो अप में हमें वही चीज़ ध्यान रखनी है कि जो हमारी फिस्ट है वो बाहर की तरफ हो, अंदर की साइड ना हो। देन आर्म स्ट्रेट, फिस्ट ओपन, फिस्ट अप देन फिंगर्स ओपन। तो ये कितना काउंट हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 काउंट्स। इसको बार बार प्रैक्टिस करेंगे। स्टार्टिंग में जब अगर आप बिल्कुल ही बिगनर है और आपको बिल्कुल नहीं आता वेविंग, जीरो से सीखना है, तो आपको इसको एकदम स्लो प्रैक्टिस करना है कि धीरे धीरे। 1, आपको ध्यान रखना है कि जैसा बताया है वैसा ही हो, इसमें पोजिशन बिल्कुल भी गलत ना हो। फिंगर्स क्लोज, फिस्ट डाउन, अप, एल्बो शोल्डर, शोल्डर एल्बो रिस्ट, फिंगर्स ओपन। ओके, इसको हम पहले हम स्लो करेंगे, स्लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। फिर जैसे जैसे ये हम इसको जितना प्रैक्टिस करते रहेंगे उतना ही हमें अच्छे से आता रहेगा और हम इसकी जो है स्पीड धीरे धीरे बढ़ाते रहेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। फिर अगर इस स्पीड में भी आपको अच्छे से आ गए तो आप इसकी स्पीड और बढ़ा दो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अगर आपको
इतना भी स्पीड में वो आ रहा है, आप इसको कम से कम 100 टाइम्स अ डे हर रोज प्रैक्टिस करो और जब आपको आ रहा है तो वो वेव आनी स्टार्ट हो जाएगी यहाँ से। एंड ये है हमारा आर्म वेविंग का बेसिक्स। इसको बेसिक इसको अगर आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपकी जो है वेविंग और अच्छी होती जाएगी। तो प्रैक्टिस जो मेरा लास्ट लेसन था हिप हॉप बेसिक्स का, उसमें मैंने आपको कुछ स्टेप्स बताए थे हिप हॉप के, उस वो भी अगर आप उसको भी बार बार प्रैक्टिस करोगे वो उससे क्या होगा आपकी मूवमेंट जो है शार्प होती जाएगी। ये वाला जो सेकंड लेसन है इसमें मैंने आपको आर्म वेविंग के बेसिक्स बताए। जो नेक्स्ट लेसन होगा उसके अंदर मैं आपको और भी वेविंग और भी कई तरीके की होती है, चेस्ट वेविंग वेस्ट वेविंग आउट बॉडी वेविंग और बहुत तरीके की वेविंग होती है। से इसी तरीके से मैं और भी लेसन्स और भी चीज़ें जो 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 भी मुझे आता है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी आपके अपने आने वाले लेसन्स में। तो अगर आप सीखना चाहते हैं अच्छे से, बिगनर हैं और बिगनर लेवल से सीखना चाहते हैं तो ज़रूर उन लेसन्स को देखिए और सीखिए और सपोर्ट करते रहिए, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट भी करो। अगर आपको वीडियोस अच्छी लग रही है, आप मेरी वीडियोस देख रहे हो, आपको वीडियोस अच्छी लग रही है तो यूट्यूब के वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन भी होता है, आप उसके अंदर अपने फीडबैक शेयर कर सकते हैं। तो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो बताओ, अगर नहीं अच्छा लग रहा है तो भी आप बताओ ताकि मैं आने वाली वीडियोस में अपने आप को और इम्प्रूव कर पाऊँ और आपको जो चीज़ें चाहिए उनको आपके साथ शेयर कर पाऊँ। तो आप बताओ, कमेंट करो, फ्री तो होता है।